हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 5A का तीसरा पार्ट। इससे पहले आप लोगों ने सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन 6 तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। सबसे जरूरी आप लोगों के लिए ये है कि जो भी बात बताया जाता है अगर पूरा आप लोग देखेंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। जो चीज बोला जाता है उसको पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंबे के और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से फिगर बनाएंगे। फिगर आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ही बनाना है, क्योंकि यहाँ खंबा दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग आगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए, कह रहा है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। खंभा हमेशा 90 डिग्री पर होता है, मीन्स 90 अंश का कोण बनाता है जमीन से। तो देखिए, जो कह रहा है कि ये जो खंभा हमने मान लिया, यहां देखिए ये हो गया बीसी। बीसी को हमने मान लिया एक खंभा है। तो यहाँ लिखेंगे भी हल में, हम लोग फिगर तो बनाते हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग कला नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ना है, तो मैथ के हिसाब से फिगर बनाएंगे, लेकिन लिख देंगे कौन क्या है। और ये देखिए कह रहा है 24 मीटर ऊंचा खंभा, ये कितना मीटर ऊंचा है, यहाँ लिख रहा है 24 मीटर, ये क्या है, खंभा है। तो यहाँ हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना बीसी, ये जो बीसी है यही खंभा है, कितने मीटर का है, 24 मीटर। तो हम लोग ये कहीं में ऐसे लिख लेंगे, बीसी बराबर 24 मीटर एक खंभा है, इतना हमने लिख लिया। ये बीसी बराबर 24 मीटर दोनों हमने एक ही में लिख लिया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना बीसी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे भी लिख लिया, दोनों सही है। बीसी एक 24 मीटर खंभा। अब देखिए क्या कह रहा है, 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा, तार का एक सिरा, दो सिरे होते हैं ऊपर नीचे तार के, तो कह रहा है कि तार का एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। एक जो तार का ऊपरी सिरा है खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। ये देखिए, खंभा हमेशा जमीन पर ही होता है, ये मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये जमीन है, यहां ए हम लिख रहे हैं, ए से बी, ये पूरा क्या है, जमीन ही है। जमीन पर ही खंभा सीधा लगा है 24 मीटर का, और जमीन पर कह रहा है कि तार का एक सिरा ऊपर बंधा और दूसरा सिरा जमीन पर गड़ा हुआ है। तो ऐसे तिरछा तार को बांध लेंगे, क्योंकि कह रहा है देखिए ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जमीन पर खंभे के निचले सिरे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, मीन्स यही दूरी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि तार यहाँ ऊपरी सिरे से खंभे को बंधा है और निचला सिरा मान लीजिए कहाँ, यहाँ ए पर है। तो यही कह रहा है, खंभे के निचले सिरे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मीन्स ए से बी तक वाला ये जो दूरी है यही निकालना है। और तार की जो लंबाई है, तार 26 मीटर है, ये एसी जो है 26 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तथा तार की लंबाई, यही है तार की लंबाई। अब लंबाई को चाहे सी ए लिखा चाहे ए सी, नाम किधर से भी लिख सकते हैं। तो तार की लंबाई सी ए, मान लीजिए हमने लिखा सी ए बराबर कितना है, 26 मीटर है, हमने ये लिख लिया। और आगे भी ये भी लिख सकते हैं कि खंभे के निचले सिरे तथा तार के निचले सिरे के बीच की दूरी
ए बी है, वही हमको निकालना है, लिख लेंगे। और खंभे के निचले सिरे से तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये है बीच की दूरी ए बी है, इतना हम लोग लिख लेंगे ताकि फिगर देखने वाले को समझ में आ जाए कि फिगर में कौन क्या है। अब इससे पता हो गया, देखिए बी सी खंबा है 24 मीटर का, ये ए सी या सी ए कह सकते हैं 26 मीटर का तार है, और ए बी क्या है, खंभे के निचले सिरे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी है, यही दूरी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं जब खंभा जमीन पर होगा तो ये 90 अंश का ही कोण बनाएगा क्योंकि एकदम सीधा होगा, तो जब 90 अंश का कोण है यानी समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कर्ण का 90 के सामने का कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, तो वही लिखेंगे। कर्ण का नाम देखिए हो गया सी ए, यहां लिखेंगे क्या सी ए का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका नाम हो गया है बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस इसका नाम ए बी है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए सी ए का मान दे दिया है 26 मीटर, तो यहां लिख लेंगे 26 का स्क्वायर इक्वल बी सी देखिए दे दिया है 24 मीटर, तो यहां 24 लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 26 का स्क्वायर में 26 को दो बार लिख के गुणा करना है, 26 गुणे 26, जब हम लोग 26 गुणे 26 लिखेंगे तो हो जाएगा 676 इक्वल 24 गुणे 24 जब करेंगे तो 576 प्लस यहाँ ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमको जिसका मान निकालना होता है ए बी का निकालना है, ए बी यहाँ, तो उसके अलावा जो संख्या होगा उसको बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं, तो ये संख्या देखिए प्लस में है, बराबर की इधर में आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ 676 है, और ये संख्या जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा 576, और बराबर यहाँ बच जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 676 में से 576 जब घटा लेंगे तो हो जाएगा 100 इक्वल ए बी का स्क्वायर। हमने बताया था ये संख्या इधर लिखते हैं बाएं तरफ, इसको दाएं तरफ जब पूरा पूरा दोनों तरफ का चेंज करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर रहेगा 100। अब 100 को हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे, स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10, देखिए 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 मतलब 10 पर 2 लिख सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ आप लिखते हैं ए बी बराबर देखिए हो गया है क्या 10, ये सब मीटर में दिया है तो लिखेंगे 10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ए बी क्या है, खंभे के निचले सिरे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, यही पूछा था तो यही देखिए आ गया 10 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अब आप लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, ये तीनों जो क्वेश्चन दिए हैं प्रत्येक से तीन तीन पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। पाइथागोरियन त्रिक हमने बताया था जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे और शेष दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, दोनों साइड इक्वल आएगा, उसी को पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। इसमें देखिए पहले दे दिया ये तीनों पाइथागोरियन त्रिक हैं और इनसे तीन तीन पाइथागोरियन त्रिक बस बनाना है, तो पाइथागोरियन त्रिक बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, अपने तरफ से
किसी भी संख्या से एक ही संख्या से तीनों में गुणा करते जाएंगे पाइथागोरियन त्रिक बनता जाएगा। दो से करेंगे तो दो से इसमें इसमें इसमें, तीन से करेंगे तो तीन से तीनों में, चार से करेंगे तो चार से, जितना चाहेंगे उतना पाइथागोरियन त्रिक बना सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए इसका तीन बनाना है तो हम लोग तीन बार लेते हैं, तीन को ऐसे लेंगे, इसका पाइथागोरियन त्रिक मान लीजिए बनाना तो हम दो से गुणा कर दिए, छह इसका पाइथागोरियन त्रिक हो गया। फिर चार है तो इसका पाइथागोरियन त्रिक हमको बनाना है तो चार गुणे दो ही करेंगे, दो से तीनों में गुणा कर देना है तो आठ हो गया। फिर पांच का पाइथागोरियन त्रिक बनाना है तो पांच गुणे दो कर देंगे, दस हो गया। तो यही छः आठ और दस इसके पाइथागोरियन त्रिक हो गए। अपने तरफ से किसी भी संख्या से एक ही संख्या से तीनों में गुणा करते जाएंगे पाइथागोरियन त्रिक बनता जाएगा। तो पहला पाइथागोरियन त्रिक छः आठ दस हो गया, तीन बनाना है, यहाँ लिख लेते हैं पुनः। फिर से मान लीजिए हम तीन चार और पाँच को लेते हैं, दूसरा पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं। एक बार हमने दो से गुणा किया, अब तीन में मान लीजिए तीन से गुणा कर देंगे, फिर चार में भी तीन से, पांच में भी तीन से। अपने तरफ से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, तीन का तीन में नौ, चार का तीन में बारह, पांच का तीन में पंद्रह। देखिए छः आठ दस नौ बारह पंद्रह, ये सब पाइथागोरियन त्रिक बन गए। कहा प्रत्येक से तीन तीन बनाना है तो एक बन गए, दो बन गए। एक बार और हम लेते हैं मान लीजिए तीन चार पांच को, फिर अब बनाना है मान लीजिए, एक बार हमने दो से कर लिया तीन से, अब चार से कर लेते हैं गुणा, तीन में भी चार से करेंगे, चार में भी चार से, पांच में भी चार से। ऐसे पाइथागोरियन त्रिक बनता जाएगा, तीन का चार में बारह, चार का चार में सोलह, पांच का चार में बीस। तो यही सब देखिए छः आठ दस नौ बारह पंद्रह बारह सोलह बीस, यही सब पाइथागोरियन त्रिक हो गए। तो जितना चाहेंगे उतना पाइथागोरियन त्रिक बना सकते हैं। फिर इसका भी इसी तरह करना है और इसका भी, तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग इसको कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है इसका पाइथागोरियन त्रिक बनाना है, एक बार दो से गुणा कर दीजिए तीनों में, एक बार तीन से, एक बार चार से, जिससे चाहेंगे दो तीन चार पांच छह आठ दस पचास सौ किसी से भी गुणा कर सकते हैं, पाइथागोरियन त्रिक बनता जाएगा इसी तरह से। तो ये काफी इजी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो हम आगे अब बता रहे हैं क्वेश्चन नाइन। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज फाइव ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तो अगले पार्ट में आप लोग फिर फाइव का बी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए फाइव क्वेश्चन दिए हुए हैं, कह रहा है नाइन क्वेश्चन निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। अब इसमें बताना है कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है इस पांचों में से, तो उसी को बस छांट के उत्तर लिखना है। ये छांट के लिखना है, मीन्स रफ का काम होगा। रफ पर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जो सबसे अधिक वाला संख्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको चेक करना है पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अधिक वाला संख्या को लेंगे और उसका स्क्वायर करके बराबर करके जो कम वाले संख्या होंगे उसका भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे बड़ा वाला हम लोग इधर लिखेंगे बराबर के बाएं साइड में स्क्वायर करेंगे, और छोटे वालों को पांच का स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। दोनों साइड अगर बराबर आएगा तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगा, बराबर नहीं आएगा तो नहीं। तो तेरह गुणे तेरह जब करेंगे तो होगा एक सौ उनहत्तर, इक्वल पांच का पांच में गुणा करेंगे तो पच्चीस, प्लस बारह गुणे बारह करेंगे तो एक सौ चौवालीस। तो एक सौ उनहत्तर इक्वल ये जब जोड़ लेंगे तो एक सौ उनहत्तर होगा। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। अब बराबर आने का मतलब कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पांच बारह तेरह पाइथागोरियन त्रिक हाँ, यही आंसर लिख लेंगे। यहां चेक करते हैं इसको, पहले बड़ा वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे और बराबर करके इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे
साल करते हैं, जब 15 गुणे 15 करेंगे तो हो जाएगा 225 बराबर 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 प्लस 8 गुणे 8 करेंगे तो 64। अब 225 बराबर ये दोनों जोड़ लेंगे तो देखिए बराबर नहीं है, तो मीन्स ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो लिखेंगे 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। केवल इसमें कहा है पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए तो आंसर क्या दिया होगा, आंसर यही देगा जो जो पाइथागोरियन त्रिक है, नहीं वाला देगा ही नहीं आंसर, क्योंकि केवल पाइथागोरियन त्रिक ही लिखना है। इसको चेक करते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर इक्वल इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 बराबर 6 गुणे 6 36 प्लस 7 गुणे 7 49 तो 64 इक्वल, ये भी देखिए पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। लास्ट में यहाँ क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे बराबर नहीं है, यहाँ भी काट लेंगे दोनों साइड बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। इसको चेक करते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर करके इन दोनों का स्क्वायर प्लस में 17 गुणे 17 करेंगे दो सौ नवासी इक्वल 8 गुणे 8 करेंगे 64 प्लस 225 तो 289 इक्वल देखिए दोनों जोड़ लेंगे 289 दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ये 8, 15, 17 पाइथागोरियन त्रिक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणे 5 25 होगा, 3 गुणे 3 9 प्लस 4 गुणे 4 16 तो देखिए यहाँ 25 बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, ये भी बराबर आ गया, मीन्स ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। तीन चार पाँच यहाँ लिख लेंगे, 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक बात आसानी समझ में आ सके। तो अब अगले पार्ट में हम लोग 5 का भी देखेंगे।